सो वेलकम बैक दोस्तों। तो गाइस इन नई स्टॉप क्वार्टर से हम लोग आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के साथ साथ हम लोग यार बहुत अच्छी तरीके से आपका अरे सम्मान करते हैं। हाँ जो भी शब्द है, अरे फ्रेंकली भैया मैं इधर अटक गया। अरे शिनचैन भी अलग हरकतें करता है। तो गाइस यार देखो ये कोई अटकने की जगह है, इधर भी अटक जाता है। और वॉइस अभी ये विंडो यार मैं तो बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, मतलब पहले नया घर है ना, तो गाइस पता नहीं था ये विंडो टूटती नहीं है। गाइस बुलेट प्रूफ ग्लास लगा रखा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी वाली बात होती है। आज निकल करके चलते हैं शिनचैन, देखते हैं आज के दिन क्या करना है यार अपनी पुलिस के नए एपिसोड्स में। अरे और नहीं तो क्या। तो गाइस अपनी थार और स्कॉर्पियो तो खड़ी हुई है, जो कि यार एक गवर्नमेंट व्हीकल नहीं है, ये मेरी खुद की कमाई के लिए हुई है। सर सर मेरी बात सुनिए। क्या बात हो गया सर? आज ना लॉस सेंटोस में एक खतरनाक रेस होने वाली है, रेस टूर्नामेंट। रेस टूर्नामेंट? हां जी सर जी। और जो जीतेगा पता नहीं उसको बहुत भयंकर सरप्राइज मिलेगा। शिनचैन यार हमें भयंकर सरप्राइज मिलेगा। और क्या सर? तो सर आप अप्लाई करने चलिए ना। अबे शिनचैन पर यार, अरे फ्रेंकली भैया बिना सोचे अप्लाई करने चलो। अरे अरे सर वहां पे बहुत लोग होंगे, आप जीत के आओगे। अरे मुझे भी पता है मैं जीत करके आऊंगा, लेकिन गाइस हमें कौन सी वाली गाड़ी ले जानी चाहिए, थार या स्कॉर्पियो क्लासिक? गाइस सर आपको कौन सी लगती है कि कौन सी गाड़ी जीत सकती है, स्कॉर्पियो क्लासिक या थार? गाइस सर मैं तो कहता हूं कि यार शिनचैन स्कॉर्पियो क्लासिक ही लेकर के चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन थार? अरे यार थार भी तो है। अरे देखा गाइस एक बंदा ना एक मिनट का दल बदलू है। अबे नहीं यार अब स्कॉर्पियो क्लासिक ही लेकर के चलते हैं। तो गाइस स्कॉर्पियो क्लासिक उठाते हैं और हम लोग निकल जाते हैं रेस के लिए। अरे भाई किस तरीके की रेस होने वाली है शिनचैन, मुझे भी नहीं पता है पर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। अरे सर हम भी चले क्या? नहीं 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 तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और भाई यार चलते अपनी स्कॉर्पियो क्लास की लेकर के। अरे सर हम आपको एड्रेस भेज देते हैं, उस साइड ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं रेस के लिए। रेस के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं शिनचैन, लेकिन हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक की स्पीड तो बहुत ज्यादा ही कम है। अरे तो फ्रैंकलिन भैया इसको कुछ करवाना पड़ेगा मॉडिफाई। पहले यार शिनचैन हमें रेस के बारे में पता करना पड़ेगा। सर आपको एक बुड्ढा आदमी मिलेगा, वही रेस के बारे में बताएगा। अच्छा तो गाइस यार हम लोग पहुंच गए रेस टूर्नामेंट वाली जगह के आसपास ही, लेकिन हमें पता नहीं है कहां पे है। और यहां पे एक बुड्ढे अंकल को मिलने से कहा था ऑफिसर्स ने, तो यहां पे एक बुड्ढा अंकल भी दिखाई देता है। और जो ये बोर्ड करके यार लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अरे यार लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे अरे रेस ले लो, 5 करोड़ ले लो। 5 करोड़? अरे मतलब बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें, तुम शॉक हो जाओगे। क्या सरप्राइज है सर? अरे बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा, रेस कर दिया तो 50 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन करवाना है तुम्हें। कहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना है? अरे यहां से सीधे निकल जा मेरे बच्चे, आगे देखेगा तो मिल जाएगा तुझे बहुत अच्छे व्यक्ति, वहां पे लाइन लगी है सबको देख लियो। अरे ठीक है ठीक है, शिनचैन इस बुड्ढे से पीछा छुड़ाते हैं। बुढ़ाऊ मत बोल, बुढ़ाऊ होगा तेरा। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके तो गाइस हम लोग निकलते हैं यार, देखते हैं शिनचैन आसपास कोई दिख तो नहीं रहा। अरे सर दिस वे जाइए, इधर आपको रेस टूर्नामेंट की लाइन दिखाई देगी, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। शिनचैन दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो गाइस जब तक किले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे और नहीं तो क्या गाइस। तो गाइस थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें कुछ ना स्पोर्ट्स कार दिखाई दे रही होती है, जो कि यार अनएक्सपेक्टेड था इस कच्ची सड़क पे खड़ी होना। अरे यार पर एक्सपेक्टेड हो गया फ्रैंकलिन भैया, पता नहीं कैसे। शिनचैन वेट अ मिनट, यहां पे कुछ लाइन लगी हुई है। अरे अरे रेस टूर्नामेंट, रेस टूर्नामेंट। शिनचैन यहां पे रेस टूर्नामेंट के लिए रिवाइज लाइन लगी है। अरे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अरे भाई शिनचैन देखने के लिए चलते हैं। अरे भाई सुनो। अरे फ्रैंकलिन सर। अरे रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन यही है क्या? हां जी सर जी, रेस टूर्नामेंट की लाइन। सर आ जाइए। अरे नहीं नहीं मैं लाइन में ठीक हूँ। नहीं सर आप तो पुलिस ऑफिसर हो। अरे आप पुलिस ऑफिसर हूँ लेकिन आम आदमी भी हूँ मैं, कोई बात नहीं मैं इधर रह लूंगा। ठीक है सर जी। अबे सर जीतने वाले को ये गाड़ी मिलेगी क्या? फॉर्च्यूनर लेजेंडर मिलेगी? हाँ जी सर जी, वो भी रेड ब्यूटी, ये वाली रेड बीस्ट मिलेगी। अरे फ्रैंकली मैया बहुत खुशी वाली बात है। अब तो गाइस बिना सोचे समझे हमें इस लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि गाइस फॉर्च्यूनर लेजेंडर हमने लास्ट एपिसोड में एक लेडीज की जान बचाई थी, तो मतलब फॉर्च्यूनर बचाई थी, और आज यार हम खुद लेंगे भाई। चलो यार। अरे अरे नेक्स्ट। ओके सो गाइस हमारा भी टाइम आने वाला है। अरे सुनो सुनो सर फ्रैंकलिन। हाँ बोलो। अरे सर ये क्या आपकी बारी, ये जो गाड़ी है ना ये बकवास है, इससे रेस नहीं जीत पाओगे। तेरी कौन सी कलर की है? सर पीले रंग की है। मेरी ऑरेंज कलर की, आपको हरा देंगे। बेटा शिनचैन इसकी तो बैंड बजानी पड़ेगी और क्या। अरे नेक्स्ट सर। अरे तो गाइस मेरा भी मौका आ जाता है। सर जी आप इतनी लाइन में लगे उसके पेशेंस के लिए आपका तो दाद देनी पड़ेगी। अच्छा हाँ सर जी, सर अपनी गाड़ी की अच्छे से मरम्मत करवा लीजिए, और अच्छी तरीके से सर टूर्नामेंट होने वाला है, वहां पे आपको एक व्यक्ति मिल जाएगा, वहां पे रेस होने वाली है सर, आपको जीतने वाले को फॉर्च्यूनर लेजेंडर मिलेगी। ठीक है सर, ध्यान रहे वहां पे एक गाड़ी वाला मिलेगा, उससे बात कर लेना। ठीक है मैं कर लूंगा भाई, ये चौड़ा क्यों हो रहा है पागल है। तो किस गाइस हम लोग गाड़ी निकाल करके चलते हैं। फ्रैंकलिन भैया सबसे पहले इस गाड़ी की रिपेयरमेंट करवाते हैं। तो गाइस रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब यार हम लोग रेस तो लड़ने वाले ही है, मतलब जाने वाले ही है, तो गाड़ी को अच्छे से मरम्मत करवाने के लिए हम लोग बैनी की वर्कशॉप पे निकल जाते हैं। गाइस बैनी की वर्कशॉप के लिए हम लोग पहुंच भी गए हैं। अरे यार बैनी की वर्कशॉप पे बैनी नहीं मिलेगा, बैनी का भैया
भैया मिलेगा, भैया नहीं है भाई, बैनी का आदमी है भाई वो। ओके सो गाइस, बैनी की वर्कशॉप पे हम लोग पहुंच गए हैं। और रेकलेस सर क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई, गाड़ी में कुछ यार करवाना है यार। सर जी रेस में पार्ट ले रहे हो क्या? अरे तुम्हें पता चल गई? हाँ जी सर जी, कलर तो शिंजर ब्लैक ही रहने देते हैं। हाँ ब्लैक रहने दो। ओके सो गाइस, ट्रांसमिशन सस्पेंशन और इसके हॉर्न, इसमें यार व्हील्स तो वो ही रहने देते हैं। और गाइस इसके जेड ब्लैक शीशे नहीं करवाते, थोड़ा सा कम करवाएंगे। आर्मर्ड कार को करवा देते हैं, बुलेट प्रूफ करवा देते हैं, रेस ब्रेक लगवा देते हैं, है ना गाइस। अच्छी तरीके से इसका इंजन भी पार्टी से बहुत अच्छा कर देते हैं। और गाइस क्या क्या है इसमें, अरे इसका हॉर्न भी सही कर दो, हॉर्न भी सही कर दिया, नियॉन लाइट भी सही कर दी। अब यार मेरी लास्ट डिमांड है तुमसे। सर जो बोलोगे वो डिमांड आपकी पूरी होगी, आप बताइए तो सही। अरे यार मेरी डिमांड ये कि इस गाड़ी को यार मैं ना और गाड़ियों में भेड़ूंगा, तो इस गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या सर? फ्रैंकली भैया रेस में चीटिंग करना चाहते हो? शिनचैन वो तो रेस में ही तुझे पता चलेगा कि मैं रेस में क्या करने वाला हूं। यार तुम बस ऐसे कर दो यार, ये गाड़ी पता चले ऐसा लगे टाटा का लोहा बन जाए। सर टाटा का लोहा बना देता हूं मैं इसको। ओके सो गाइस, फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। और ये टाटा का लोहा बना है या नहीं बना है तो गाइस वो देखने के लिए हमें ना सबसे पहले कोई गाड़ी में भेड़नी पड़ेगी। शिनचैन इस गाड़ी को तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे पागल हो गए हो क्या सर, क्या हरकतें कर रहे हो? शिनचैन हमारी गाड़ी को तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं पता चलेगा, कोई हमें ज्यादा बड़ा इंपैक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं अपनी गाड़ी की रेस बढ़ाता हूं। और गाइस का और आगे एक जीप चल रही होती है, मैं इसमें भेद देता हूं शिनचैन। उस जीप का तो आगे का पीछे मतलब पीछे का पिछवाड़ा फट गया है। और भाई ये देख, हमारी गाड़ी का तो कुछ भी नहीं हुआ, चले यार रेस के लिए। तो गाइस हमारी रेस चालू हो जाती है। और भाई वो पीली गाड़ी वाला कौन था भाई जो हमें फालतू बोल रहा था? गाइस आज मैं उसकी वाट लगाने वाला हूँ, पीली गाड़ी वाले और ऑरेंज गाड़ी वाले की। तो गाइस हमारी रेस चालू हो जाती है। शिनचैन ये लोग तो मेरे से आगे चल रहे हैं। फ्रैंकलिन भैया प्लीज यार स्कॉर्पियो क्लासिक को और तेज भगाओ यार। तो गाइस स्कॉर्पियो क्लासिक को हम और तेज भगा रहे हैं। और भाई साहब यार क्या चक्कर है यार, शिनचैन वो पीली गाड़ी वाला तो हमसे बहुत आगे है। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसा करो ना, सब पे चढ़ाओ ना गाड़ी। रुक जा शिनचैन, मैं क्या करने वाला हूँ वो तुम्हें पता चलेगा। तो गाइस देख रही हो ना मेरी गाड़ी, तो बॉडी रोल इसका बहुत ज्यादा तगड़ा है, जिससे गाड़ी बिल्कुल तरीके से मुड़ गई है। अब देखते हैं गाइस मैं क्या करने वाला हूं बहुत भयंकर तरीके से। फ्रैंकली भैया ये तो आपस में भिड़ रहे हैं, अबे आपस में भिड़ने देते हैं। और गाइस मैं फायदा उठा करके ना फर्स्ट लैप को कंप्लीट करने के लिए चलता हूं। टोटल 5 लैप है। और गाइस यहां पे देखो कुछ गाड़ी वाले मौज काट रहे हैं। फर्स्ट लैप हमारा इजीली कंप्लीट हो चुका है। पीली गाड़ी वाला ये रहा शिनचैन। अरे ठोको फ्रैंकली भैया, अरे मार दिया रे, अरे मैया रे, अरे लग गई भाई शिनचैन इसको तो, सही लगा भाई। अरे सही लगा ना, अब यार हम अपना मोड़ लेते हैं। ओके सो गाइस ये रेस कैसी लग रही है आप लोग जल्दी से वीडियो। अबे यार ये तो स्टार्ट नहीं हो रही, अरे सारी गाड़ियां आगे निकल रही हैं। अबे रुक जा, कहीं नहीं निकल रही, ये जा रही ऑरेंज गाड़ी। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस ऑरेंज गाड़ी को भेड़ने की कोशिश बहुत ज्यादा अच्छी रही हमारी, लेकिन गाइस इसको भेड़ते भेड़ते हमारा भी हो गया। अरे बताता हूं अभी, अबे ये पीली गाड़ी वाला कहां से आ गया, ऑरेंज वाला भी आ गया, दोनों आ गए मेरी ऐसी तैसी मारने के लिए। लेकिन यार मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, टाटा का लोहा जो लगा रखा है। अरे अरे इसकी गाड़ी का तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन, अबे शिनचैन ये रेड ब्यूटी फॉर्च्यूनर लेजेंडर तो हम ही जीत कर आएंगे। फ्रैंकली भैया सेकंड लैप भी अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। तो गाइस सेकंड लैप भी कंप्लीट कर लिया। ये लोग क्या है मेरे सामने, चिलकोज़े हैं बिल्कुल ही। और गाड़ियों को भी ठोकते चलो। हां भाई लेकिन यार भाई बुरे फल का बुरा नतीजा होता है। और जस्ट ओ भाई हमारी गाड़ी क्या स्टेबल हुई है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इस बात के लिए। तो गाइस हमारी गाड़ी क्या भाग रही है भाई। ओ भाई मैंने फिर से पीली वाली गाड़ी में निकाल मारा है। अरे सर हमें आगे नहीं फंडे दोगे क्या? नहीं फंडे दूंगा बेटा, तू मेरे को चैलेंज कर रहा था ना वहां पे लाइन में खड़े होकर के, तो बेटा तेरे को चैलेंज जो भारी पड़ेगा ना शिनचैन। अब यार यहाँ पे भी ये 3 गाड़ियां जा रही हैं, इनको भेड़ो। ठीक है भाई भेड़ते हैं। और अभी तो इसको फ्रैंकलिन का बैंड बजाना पड़ेगा। शिनचैन मुझे लग रहा है दुश्मनी भटती जा रही है। अरे दुश्मनी भटती जा रही है फ्रैंकलिन भैया, सच में कोई ना कोई आपकी वाट लगाने जरूर आएगा फ्रैंकलिन भैया। चिंचा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या इसे मैं तो आउट ऑफ बाउंड्री चले गया यार, ये क्या हुआ? अरे यार क्या दिक्कत खड़ी कर दी यार फ्रैंकली भैया, जल्दी चलो ना यार, रिस्पॉन के लिए एफ यार पूरा दबाने पड़ता है। गाइस यार जल्दी से चलते हैं। अबे भाई साहब शिनचैन, अबे यार गाइस ये लोग तो मेरे से बहुत आगे निकल रहे, मुझे रेस जीतने और एट द एंड गाइस मैंने रेस जीत ही ली है। गाइस देखा था गाइस यार आपका भाई यार फर्स्ट कैसे आया, और भाई यार फॉर्च्यूनर लेजेंडर अब हमारे हाथ में आ चुकी है। फॉर्च्यूनर लेजेंडर में बैठने में मजा आएगा। अबे शिनचैन लेकिन सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि यार ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर को घर कैसे ले जाएंगे, तेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं है। फ्रैंकली भैया यहां पे आपके साइड में एक दोस्त रहता है ना? अरे हां यहां पे तो मेरा एक विक्रम दोस्त रहता है। अरे विक्रम भाई क्या हाल है? फ्रैंकली भाई क्या हालचाल है? बस बढ़िया भाई, थोड़ी देर के लिए स्कॉर्पियो को इधर खड़ी कर दूं क्या? हां भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं भिजवा दूंगा। भिजवा दियो भाई यार, लेकिन ध्यान रखियो यार कुछ ना हो। अरे यार वैसे गाड़ी को टेस्ट तो कर ही सकता हूं ना। अबे तू चला कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर यार तू बस इसको चोरी मत होने दियो यार, ध्यान रखियो मैं लेने आ जाऊंगा। अरे नहीं फ्रैंकली मैं आज भी भिजवा दूंगा। ओके तो गाइस यार अपनी
इंटरनल लेजेंड है, अब खुद की हो चुकी है। तो याहू गाइस मजा आ गया ना। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने सोचा भी नहीं था फॉर्चून लेजेंड प्री हो जाएगी। फ्रैंकली भैया मैं तो बैठ गया, शिनचैन गाइस सबसे पहले आकर के बैठ गया। बेटा तू कहां बैठ रहा है ना, अब देखियो मैं बैठता हूं इसमें। ओके सो गाइस फॉर्चून लेजेंड रेड ब्यूटी में बैठे हुए हैं। तो गाइस फॉर्चून लेजेंड आप किस किस की फेवरेट है कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। और इस गाड़ी को हम लेके तो जा रहे हैं और बारिश फिर से चालू होने लग गई है और फिर से भगाते हैं यार इसको। भाई शिनचैन ये तो स्कॉर्पियो से भी तेज भाग रही है। और यार ये रेड ब्यूटी यार सपना था कल तक और गाइस आज अपना हो गया, क्योंकि गाइस सिर्फ और सिर्फ अरे यार रेस की वजह से। हां गाइस रेस जीतने की वजह से। और इसका इंटीरियर रेड चेरी कितना ज्यादा बेस्ट लग रहा है, जो कि यार मेरे को बहुत ज्यादा फेवरेट है भाई मेरे लिए। फ्रैंकली भैया इसका तो यार सीटिंग पोजीशन भी बहुत बेस्ट है। बात तो सही है गाइस, इसकी सीटिंग पोस्चर भी बहुत बेस्ट है। आ गया इस गाड़ी में तो पेट्रोल की बहुत ज्यादा कमी है। सो फाइनली गाइस यार हम तो पेट्रोल भरवाने के लिए आ गए हैं। अरे यार पेट्रोल भरवाने, पेट्रोल बिल्कुल ही कम है इसमें तो। अबे यार पेट्रोल बिल्कुल ही फुद्दू दे रखा है। तो गाइस यहाँ पे आसपास पेट्रोल पंप है, तो यार हमने इस गाड़ी में पेट्रोल फुल पूरा करवा लेते हैं अच्छी तरीके से, भरवा लेते हैं। ओके सो गाइस चलो यार अपने इसका पेट्रोल फुल करवाते हैं बढ़िया तरीके से और फिर घर के लिए निकलते हैं। और अपने स्टाफ क्वार्टर में ये खड़ी होके हुए कैसी लगेगी गाइस थार स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ। तो गाइस यार उसके लिए देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस हमारा फ्यूल टैंक भी पूरा फुल हो गया अच्छी तरीके से, अब इसको हम निकाल करके लेकर के चलते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट लिखना भी पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी पड़ेगा। तो गाइस अब वीडियो को हम इधर ही एंड करने वाले हैं। हाँ गाइस अब देखो ठोक भी दी मैंने। हाँ गाइस वीडियो को ऐड कर रहा है, बहुत हुआ भाई बहुत बोल रहा है शिनचैन। अरे यार ठीक है ना यार, मैं ऐसे ही बोलता हूँ फ्रैंकली भैया, मेरा तो बोलने का काम है। तो गाइस इस रेड ब्यूटी के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नए एपिसोड में वापस से मिलेंगे धमाका करते हुए। और गाइस ये पुलिस सीरीज तो आपको पता ही है चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। हाँ चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी, भोड़ती रहेगी। अबे रुक जा भाई रुक जा। ओके सो गाइस यार हम ना पेट्रोल